गुड मॉर्निंग क्लास फोर. टुडे वी विल अंडरस्टैंड रिवीजन वर्क ऑफ कंप्यूटर. क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. तो आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है इनकी. जैसे कि फर्स्ट है जीबी, जीबी की फुल फॉर्म होगी गीगा बाइट. सेकेंड है केबी, केबी की फुल फॉर्म होगी किलो बाइट. थर्ड है सीडी, सीडी की फुल फॉर्म होगी कॉम्पैक्ट डिस्क. फोर्थ है ओसीआर, ओसीआर की फुल फॉर्म होगी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन. फिफ्थ है टीबी, टीबी की फुल फॉर्म होगी टेरा बाइट. सिक्स्थ है रैम, आर ए एम, रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी. सेवन्थ है ईबी, ईबी की फुल फॉर्म होगी एक्सा बाइट. फिर सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. सेकेंड है आपका राइट द नेम ऑफ द शॉर्टकट कीज. तो आपको शॉर्टकट कीज दी है, उनके नेम लिखने यानी कि उनका यूज जो होता है वो लिखना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस सी का क्या यूज होता है, कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट. ठीक है, तो वो क्या कि आपका कोई टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी हम क्लिक करते हैं कीबोर्ड में. ठीक है, सेकेंड है कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किस लिए होता है, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किसके लिए होता है, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को कट करने के लिए. फिर थर्ड कंट्रोल प्लस वी. कंट्रोल प्लस वी का यूज होता है पेस्ट करने के लिए, यानी कि आपने अगर कोई कॉपी किया है टेक्स्ट को उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं. फिर है कंट्रोल प्लस ओ. कंट्रोल प्लस ओ का यूज होता है ओपन ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ से आप किसी ऑप्शन, कौन सा ओपन ऑप्शन आपका खुल जाता है. फिर है फिफ्थ कंट्रोल प्लस जेड. कंट्रोल प्लस जेड का यूज किस लिए होता है, अंडू लास्ट एक्शन. तो आपने जो कुछ अगर मिस्टेक की है या फिर मिस्टेकली आपका कुछ इरेज हो गया है, कट हो गया है, तो उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड हम टाइप करेंगे. ठीक है, सिक्स है कंट्रोल प्लस एफ. कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है ओपन फाइंड बॉक्स. आपके फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है. ठीक है, तो आप ये अपनी नोटबुक में करेंगे रिविजन वर्क अपना, और इसको एक बार लर्न भी करेंगे. ठीक है, और प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों. थैंक यू.